वालेकुम, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत होंगे। आज मैं अपने फार्म पे पीछे आ चुका हूँ रात में, और आपको आज रात में दिखाऊंगा कि हमारा फार्म कैसा लगता है। और आपको मैं कुछ ऐसे एनिमल दिखाऊंगा जो पहले नहीं थे, और वो एनिमल कब बताऊंगा जो मेरे फर्स्ट व्लॉग में थे और अब नहीं है, और उनके बारे में सबके बताते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको उम्मीद है मेरी फर्स्ट व्लॉग अच्छा लगा। आपने उम्मीद है मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा होगा, ये मेरा सेकंड व्लॉग है। और उम्मीद है आपने मेरा फर्स्ट देखा होगा। सब्सक्राइब लाइक जरूर किया होगा, और अच्छे अच्छे कमेंट भी करने हैं आपने मेरे चैनल को। और आपने इस चैनल को, इस वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब करना है, और इसमें तो बहुत ज़्यादा कमेंट आने चाहिए और लाइक तो ज़्यादा ही आने चाहिए। चले आज आपको फार्म का विजिट करते हैं, चले स्टार्ट कर देते हैं, लेट्स गो। अच्छी तरफ से चलते हैं। ये हमारे डियर्स हैं, और इनमें आपने फर्स्ट व्लॉग में सिर्फ नील गाइस देखी होंगी, उनका पेयर देखा होगा। अब और डियर्स आ गए हैं, और आपको नील गाय नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि वो है नहीं। जिस ये ब्राउन कलर, ब्राउन ब्लैक कलर के है, इनके स्किन में ना वाइट वाइट कलर के ना डॉट्स हैं, इनको शायद चीतल कहते हैं। और इनमें एक फीमेल है, और यहाँ पर मेल है। आपने पिछले व्लॉग में नील गाय का बेबी देखा होगा, ये यही रह गया, और वो सारे उनके मम्मा पापा चले गए। और आगे फैजन का आपको दिखाएंगे। फैजेंट्स हैं जो फर्स्ट व्लॉग में ये भी नहीं थे, और ये फर्स्ट व्लॉग में जो नहीं थे मैंने वो डियर्स तो आपको दिखा दिए, और ये फर्स्ट जो फर्स्ट व्लॉग में नहीं थे उनमें से बर्ड्स हैं। इनका नाम फैजेंट है, और इनमें बहुत डिफरेंट होता है मेल और फीमेल में। इनके जो फीमेल होती है वो सिर्फ ब्राउन कलर की होती है, जो तो इनके मेल होते हैं वो बहुत रंग बिरंगे होते हैं, रेनबो कलर्स के होते हैं। और उनमें उनके जो होते हैं, उनके जो मेल्स होते हैं ना, उनमें भी बहुत सारे मतलब डिफरेंस होते हैं। जैसे कुछ वाइट एंड ब्लैक होते हैं मेल, कुछ सब कुछ रेनबो कलर्स के होते हैं। ये रेनबो कलर्स के हैं, देखें इनके बाल उतरे हुए हैं, इसलिए ये सही नज़र नहीं आते होंगे। सही नज़र मुझे भी नहीं आ रहा, कैमरे में शायद ना आ रहे हो। ये इनमें बहुत सारे रंग होते हैं, कुछ येलो होते हैं, पर ये रेनबो है, और सबकी फीमेल एक ही होती है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कौन सा एनिमल हमारे पास हमें मिलता है। यस मजा आ गया, और बहुत सांस चढ़ गया, बहुत सांस चढ़ गया इसका खेल को। ये देखिए एक्टिव हो गया, वह बढ़ते उनको खाने की तैयारी कर रही है, पर ये नहीं खा पाएगी, पिंजरे ही नहीं तोड़ पाएगी। मुझे बहुत सांस चढ़ रहा है। फर्स्ट नंबर पे जो हमारे न्यू एनिमल्स आए हैं जो फर्स्ट व्लॉग में नहीं थे, वो हैं उड़ियाल। ये उड़ियाल का पेड़ मुझे बहुत प्यारा लगता है, और कुछ लोग इसको मारखोर समझते हैं, पर ये मारखोर से बहुत अलग है, क्योंकि मारखोर का साइज और उड़ियाल का साइज थोड़ा अलग है। इनके हॉर्न्स अलग होते हैं, और इनके राउंड शेप में होते हैं, और उनके सीधे होते हैं, इस वजह से ये बहुत अलग होते हैं उनसे। मुझे इसके घास खाने का मूड लगता है, चलिए मैं अगर ये मेरे हाथ से खाते हैं तो मैं इसको उठा के खिलाता हूँ।
ये कैसे आ रहे हैं खाने के लिए? वहाँ पीछे से एक आ गया। हाँ, ये तो हाथ को ही खा रहे हैं। घास खानी है, घास 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 घास। ये घास है, देखे ये घास खा रहे हैं और कभी हाथ खाते हैं। एनिमल आया है कुंजे, ये कुंजे हैं, कुंजे हैं। और अगर मैं इनके पास जाऊंगा ना, ये अपने बाल खड़े कर लेंगे। देखें जैसे इनने बाल खड़े कर लिए। और इनका नाम कुंजे है, ये ग्रे और ब्लैक कलर में होते हैं। और जैसे लोगों की आगे दाढ़ी होती है ना, वैसे इनके ऐसे आंखों के साथ पीछे दाढ़ी है व्हाइट कलर की। आप देखें उनकी चोंच भी होती है किस कलर की? रेड कलर की। और इनके पंजे तीन होते हैं। और हमारे पास कुछ हैं चूहे, गिनी पिग्स। ये देखें, ये चूहों की नस्ल है पर उससे बहुत अलग है। ये है गिनी पिग्स, गिनी पिग्स हैं ये। और इनमें से मुझे एक की रेड आईज हैं, चलो एक रेड आईज हैं, ये इस वाले की रेड आईज हैं, उसके तो ब्लैक है। मुझे प्यारा भी वही लगता है, मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में दिखाया होगा, जिसके ऊपर वो कलर्स भी हैं, वो अच्छा लगता है। अगला है हमारे पास, आते हैं अगले नंबर में रैबिट्स। ये रैबिट्स हैं, वाइट कलर के रैबिट्स हैं ये। और ये टू है, वन ईयर है, वन ईयर है, वो भी टू है। पर हमारे पास लाइन्स थ्री हैं, ये टू है, शायद ये पेयर हो, मुझे कुछ नहीं पता। और शायद ये भी पेयर हो, मुझे सच ही नहीं पता। और आपको मैंने एक चीज़ कहा था घारा के पास कि इसका एक मेल भी है शेरू, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये है वो शेरू मेल, इसका नाम शेरू है। ये 5.5 ईयर्स का है, इसकी एज यही है। और ये वाइट लाइन है, जैसे वाइट लाइन मेल है, जैसे वाइट फीमेल है ना, वैसे ही वाइट मेल है। और ये अभी बबर शेर है, बबर शेर है, ये वाइट है ये। उसके पर फीमेल फुल वाइट होती है और मेल ना थोड़े ब्राउन होते हैं, इनके ब्राउनिश, पर उनकी नस्ल ब्राउन वाइट ही होती है। और अभी मैंने इनको बता दिया, अब आगे चलते हैं। बंद कर देता हूँ गेट को, पता नहीं रात को बाइक कर रही और कहीं इन्हें गुस्से में। और कैसे देख रही है सारा, गुस्सा आ गया क्या? गुस्सा आ गया क्या? कैसे देखते हैं? और खेलने लगे, मुझसे नहीं खेला जा रहा, मैं बहुत थक गया उसके साथ खेल खेल के। आगे थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं और आपसे रेस्ट करके मिलते हैं। बाय बाय। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक को अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। और मैं ज़ारा के सामने वो वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, वो अटैक मोड में आई है। ये अगर कोई एनिमल अटैक करता है ना, वो ऐसे करके करता है। और आप बाय बाय, गुड बाय। और आपने मेरे चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। अल्लाह हाफिज़।